हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेगुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगुक फैन फिक्शन ट्विंस का ट्विस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जेके और भी जो है वो दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे, बहुत ही चिपक के सो रहे थे। जब सुबह होते हैं तब भी वो दोनों ऐसे ही सोए हुए थे। और यहाँ पे हमारा तेज जो है वो कुकी को अपने बाहों में लेकर सोए हुए थे। उसको देख के लग ही नहीं रहे थे कि ये एक बॉय को अपने बाहों में लेकर सोए हुए हैं। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि एक टॉय को पकड़ के सोया हुआ है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो बाहर से जिन जब सब लोग को बुला रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, ये लोग तो उठ जाते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकलते हैं। भी और जेके जो है वो नींद टूटने के बाद एक दूसरे को कस के पकड़ के ऐसे ही सोए रहते हैं। जेके बोलता है कि माय प्यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली हम दोनों ने शादी कर लिया है और प्यार की होठों पे किस करते हैं, बहुत ही स्वीट तरीके से किस करते हैं। और प्यार जो है फिर उस किस को एक डीप किस में बदल देते हैं और वो दोनों यहाँ पे किस करना शुरू कर देते हैं। बहुत देर तक ये दोनों किस कर रहे थे, एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे। और यहाँ पे ते कुक जो है वो भी उठ जाते हैं लेकिन कुक जो है ते को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखता है, बोलते हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ। ते बोलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए कब कहा है, तुम मुझे ऐसे ही पकड़ के रखना ठीक है। और कुकी उसको ऐसे ही पकड़ के रखते हैं और वो दोनों ऐसे ही लेटे रहते हैं। फिर ते जो है कुकी की फोरहेड पर किस करते हैं और बोलते हैं माई बनी, अब हम दोनों को उठ जाना चाहिए क्योंकि अम्मा हम दोनों को बुला रहे हैं। ये दोनों जो है उठ जाते हैं। कुकी उठ के जा ही रहे थे ते उसके हैंड को पकड़ लेते हैं और उसको अपने बाहों में लेते हैं और उसकी होठों पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं। और अब ये दोनों की किस भी बहुत ही ज़्यादा हॉट हो रहे थे, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। तो फिर ये दोनों कपिल जो है ये दोनों बाहर नहीं आते हैं, ये दोनों कपिल अपने रोमांस में खो जाते हैं और इन दोनों के बीच में ही लव मेकिंग होते हैं, भी और जेके के बीच में भी और ते और कुकी के बीच में भी। फिर आखिर में जब जिन बाहर से उन लोगों को बार बार बोल रहे थे कि तुम लोग बाहर नहीं निकलने वाले हो क्या आज, तो फिर ठीक है हम लोग ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले जाते हैं, तुम लोग कमरे में ही रह जाना ठीक है। और फिर वो लोग जो है अपने होश में आते हैं और एक दूसरे को छोड़ते हैं और फिर ते कुकी को गोद में उठाते हैं और वॉशरूम पर लेकर जाते हैं। वो दोनों साथ में फ्रेश हो जाते हैं और तैयार होकर बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे जो है बियार और जेके भी साथ में वॉशरूम पे जाते हैं और फ्रेश हो जाने के बाद वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं और साथ में सब लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे। लेकिन जेके जो है वो टेबल के नीचे से अपने पैरों से शरारत करने लगते हैं, बहुत ही नॉटी हरकत कर रहे थे। लेकिन वो बियार के पैरों पर नहीं, वो ते के पैरों पर कर रहे थे। ते कुकी की तरफ देखते हैं लेकिन कुकी बहुत ही इनोसेंट तरीके से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो ते बहुत ही शौक हो जाते हैं कि वो नीचे से ऐसा कर रहे हैं और इस तरह से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं कि पता नहीं वो उसको कुछ पता ही नहीं है। और बियार भी बहुत ही शांति से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो जेके को ऐसा लगता है कि वो इतनी शांति से ब्रेकफास्ट कैसे कर सकते हैं, मैं उसके साथ इतनी नॉटी हरकतें कर रहा हूँ, उसको तो हॉट हो जाना चाहिए था क्योंकि वो अपने पैरों से ते के कहाँ कहाँ छू रहे थे पता नहीं। और यहाँ पे ते जो है बहुत ही ज़्यादा हॉट हो रहे थे क्योंकि जेके के पैर गलत जगह पे टच करने लग गए थे। तो ऐसा जो है वो देखता है कि जेके अपने मुंह को थोड़ा सा नॉटी बना रहे थे। फिर भी वो कुकी को पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे सब लोग हैं, ऐसा मत करो बनी, हम लोग कमरे में भी ये सब कुछ कर सकते हैं, तुम प्लीज़ अपना पैर हटाओ। कुकी बोलता है क्या बोल रहे हो आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ते समझ जाता है कि ये जेके का हरकत है और फिर वो जो है अपने पैरों से जेके के पैरों में लात मार देते हैं। जेके बहुत ही शौक हो जाते हैं कि ब्यार ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उसके साथ नॉटी हरकत कर रहा हूँ, टीस कर रहा हूँ उसको, वो मुझे इस तरह से लात कैसे मार सकते हैं। और फिर वो देखता है कि ते जो है उसको इशारा से बोल रहे क्या कर रहे हो, ये मेरा प्यार है। और फिर जेके बहुत ही शौक हो जाते हैं और बहुत शाई फील करते हैं और अपने पैरों को हटाते हैं और वो चुपचाप करके ब्रेकफास्ट करके अपने कमरे में जल्दी से चले जाते हैं। प्यार बोलते हैं कि इन दोनों को क्या हो गया।
ते भी अपने कमरे में जा रहे थे और जेकी भी अपने कमरे में चले जाते हैं, और फिर इन दोनों के पीछे पीछे कुकी भी चले जाते हैं और भी चले जाते हैं। जिन और नामजुन और हुबी जो है वो हुबी को बोलते हैं, क्या तुम आज ऑफिस जाने वाले हो या फिर तुम भी घर पर रुक जाओगे? हुबी बोलता है कि नहीं, मैं इयुनजी को शॉपिंग कराने के लिए ले जाऊंगा, क्योंकि कल जो है इयुनजी के घर पे रिसेप्शन की पार्टी होने वाला है, क्योंकि इन दोनों की शादी हुए थे कल और आज की दिन गैप है, दूसरे दिन उन लोगों की रिसेप्शन है और वहाँ पे जो है लड़कियों के घर पे प्रोग्राम होने वाले हैं, तो उसके लिए ये लोग शॉपिंग करने के लिए चले जाएंगे। जिन नामजुन बोलते हैं तो फिर ठीक है, हमें तो ऑफिस जाना पड़ेगा वरना कैसे काम होगा, तो हम लोग चलते हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। और ये दोनों तो अपने अपने कमरे में चले गए हैं। इन दोनों जोड़ियों के बारे में क्या ही बोलूँ, ये लोग बहुत ही बेशरम होते जा रहे हैं। शादी के बाद तो बहुत ही ज़्यादा बेशरम हो रहे हैं, देखो तो ज़रा कैसे ब्रेकफास्ट किया और चला भी गया है यहाँ से। अपनी अम्मा अप्पा के साथ बात करने की ज़रूरत भी नहीं समझा इन दोनों ने। और यहाँ पे जब ते अपने कमरे में जाते हैं तो कुकी भी उसके पीछे जाते हैं, कुकी की हैंड को पकड़ लेते हैं ते। कुकी बोलता है कि क्या हुआ, आप अचानक ऐसा क्यों कर रहे हो? और फिर वो उसको हक कर लेते हैं, बोलते कि आई एम सो सॉरी बनी, मुझे गलती हो गया है। कुकी बोलता है कि क्या हुआ, आपने क्या किया है? हम दोनों साथ में तो ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आए थे और इस बीच में आपने ऐसा क्या कर दिया है कि क्या आप सॉरी बोल रहे हो? मैं गुस्सा नहीं हूँ आपसे। फिर भी बोलते हैं कि आई एम सो सॉरी बानी, मैं समझ नहीं पाया कि वो तुम नहीं थे। कुकी बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। फिर तो उसको बताते हैं कि जेके ने क्या क्या है, और कुकी जो है वो बोलते हैं मैं अभी उसको जाके मार लगाता हूँ, उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया है? और फिर ते बोलते हैं कि उसने बिहार को समझ के किया था, अपने पैरों से बहुत ही नॉटी हरकतें कर रहे थे, मैंने सोचा कि वो तुम हो इसलिए मैंने पहले कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन बाद में देखा तुम बहुत ही रिलैक्सली ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उसके बाद मैंने समझ गया कि ये जेके का हरकत है। और फिर बोलते कि कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, आपने जानबूझ के तो उसको नहीं रोका था क्योंकि आपको ऐसा लगा कि मैं हूँ, ठीक है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसा हो जाता है। ते उसको कस के पकड़ लेते और बोलते नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था और कभी भी ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें भी ऐसा ब्यार के साथ नहीं करने दूंगा, और ब्यार तुम्हारे साथ अगर कुछ ऐसा करे ना तो मुझे बता देना। और कुकी जो है वो मुस्कराने लगते हैं, ते को कस के पकड़ लेते हैं और उसकी फोरहेड पे किस करते हैं, उसके चीक पे किस करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? और अगर ऐसा कभी हुआ भी ना तो मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने ते की टच को बहुत अच्छी तरह से फील करता हूँ और मैं जानता हूँ बिहार की टच कैसा है और आपका टच कैसा है, तो मैं ऐसा गलती कभी भी नहीं करूँगा। ते बोलता है क्या तुम इतनी अच्छी तरह से कैसे बोल सकते हो, क्या बिहार ने तुमको कभी इस तरह से टच किया है क्या? कुकी बोलता है आप कहाँ से कहाँ बातें को लेकर जा रहे हो, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप प्लीज़ ये सब कुछ सोचना बंद कीजिए। और उसको हक करते हैं और फिर ते को सोफे पर बैठा देते हैं और ते की लैप पे जाके बैठ जाते हैं और उसके होठों पे किस करने लगते हैं। और वहाँ पे जेके जो है वो बिहार को कस के पकड़ लेते हैं और डोर को बिना लॉक किए वो उसको बेड पर लेकर जाते हैं। बिहार बोलती कि क्या करो, छोड़ो मेरे हैंड को, क्या हुआ तुम्हें? वो बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे गलती हो गया है। बिहार बोलते क्या क्या है अभी तुमने, क्या तुमने कुछ किया है? लेकिन मुझे कैसा नहीं पता। जेके बोलते कि मैं क्या बताऊँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना, क्या तुम मुझे गुस्सा करने वाले हो? ब्याह बोलते हैं अगर तुम मुझे नहीं बोलोगे तो फिर मैं कैसे पता चलेगा मुझे, पहले मुझे बोलो कि तुमने क्या किया है। जेके बोलते हैं कि वो मैंने अपने पैरों से, फिर बोलते हैं सब कुछ। फिर ब्याह जो है मुस्कुराने लगते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और जेके जो है उसके होठों पे किस कर देते हैं। और फिर बहुत देर किस करने के बाद जब उसको छोड़ते हैं, ब्याह बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया है, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया तुमने, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ते के साथ, हाँ वो नाटक कर रहे थे, उसको गुस्सा करने की एक्टिंग कर रहे थे। जेके बोलते हैं आई एम सो सॉरी ब्यार, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। ब्यार बोलते इट्स ओके, मैं जानता हूँ
तुम कभी भी जानबूझ के ये सब कुछ नहीं करोगे तो फिर तुम परेशान मत हो, ठीक है। लेकिन दोबारा से जब भी ऐसा करना तो तुम सोच समझ के करना, दोबारा से ये गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। जे के बोलते हैं ठीक है माय लव, और उसको कस के पकड़ लेते हैं, और ब्याह जो है वो जे के को धक्के दे देते हैं, बेड पर सुला देते हैं, और उसकी दोनों हैंड को बहुत ही कस के पकड़ते हैं, और अपने पैरों से जे के की पैरों पर बहुत ही नौटी हरकत कर रहे थे, क्योंकि जे के ने जैसा कहा था वो भी ऐसे कर रहे थे। और फिर ये दोनों जो है वो दोबारा से शुरू हो जाते हैं अपने रोमांस में। और यहाँ पे योंगी और जिमिन जो है वो दोनों अभी तक सोए हुए थे, तो जब इन दोनों की नींद टूटती है, इन दोनों को कोई भी सुबह को नहीं उठाते हैं, वो दोनों ऐसे ही सोए हुए थे, बहुत देर हो चुके थे, तो उन दोनों का नींद टूट जाते हैं। और जिमिन उठने वाले थे कि उनके उसके हैंड पकड़ लेते हैं और दोबारा से अपनी बाहों में लेकर उसकी होठों पे किस करना शुरू कर देते हैं। जिमिन बोलता है कि क्या कर रहे हो, मुझे ब्रश करना है, हम दोनों अभी अभी नींद से उठे हैं, तुम मुझे किस कैसे कर सकते हो। योंगी बोलता है कि क्यों नहीं, तुम अगर ब्रश नहीं भी करोगे ना तो भी मैं तुम्हें किस करूँगा, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो। और फिर दोबारा से जिमिन को किस करने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे से जो है उसकी नेक पे किस करना शुरू कर देते हैं। और फिर ये दोनों जो है अभी भी नेकेड ही सोए हुए थे, और ये दोनों फिर दोबारा से अपने रोमांस को जारी करते हैं, और इन दोनों के बीच में दोबारा से शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे होबी जो है वो तैयार होते हैं, योंगी को बोलते हैं कि तुम तैयार हो गए हो या नहीं। योंगी बोलते हैं हाँ मैं तैयार हूँ। योंगी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो फिर होबी उसको बैक हक कर लेते हैं, फिर उसके गले पर लव बाइट बनाने लगते हैं। योंगी बोलता है कि क्या कर रहे हो, हम लोग बाहर जाने वाले हैं, सब लोग देख लेंगे। फिर भी होबी उसको नहीं छोड़ते हैं, और ऐसे ही उसकी गले पे लव बाइट बनाने लगते हैं। और फिर जब वो दोनों बाहर जाने वाले थे, होबी जो है उसकी बालों से उसके गले को बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर देते हैं, ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पे क्या है। योंगी बोलता है कि सब लोग देख लेंगे, होबी बोलते हैं कि नहीं, मिरर के सामने लेकर जाते हैं और उसको बोलते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे बालों से इसको बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर दिया है, और योंगी मुस्कुराते हैं। और फिर ये लोग बाहर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, और हमारा दो लवबर्ड जो है अभी भी अपने कमरे में रोमांस कर रहे थे, उन दोनों की तो कोई भी फिक्र नहीं है, होबी और योंगी बाहर जा रहे थे सब लोग के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, और तीन साल बाद जो है तेकुक और भीकुक जो है वो लोग एक कंपनी खोलते हैं, उस कंपनी के नाम है ट्विंस ब्रदर्स, और इस कंपनी पे ये चारों जो है बहुत ही अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देते हैं, और ये लोग बहुत ही मन लगा के काम कर रहे थे। लेकिन काम की वजह से इन लोग के रोमांस अभी तक भी काम नहीं हुए हैं। 3 साल हो जाने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, जे के और भी, वो दोनों को देख के लगता ही नहीं है कि इन दोनों की शादी की 3 साल हो चुके हैं। जे के जो है अभी भी टेबल के नीचे से भी की पैरों पे वो ही शरारत करते हैं, और भी जब मीटिंग होते हैं वो जे के की पैरों पे अपना पैर उठा देते हैं। और कुकी अभी भी 3 साल हो जाने के बाद भी वो अभी भी अगर ते को कुछ देर नहीं देखते हैं ना, वो लोग साथ में काम करते हैं, लेकिन फिर भी अगर ते किसी काम की वजह से कुछ देर के लिए ते कुकी से अलग रहते हैं ना, तो कुकी जो है वो रोने लगते हैं। अभी भी ते को देख के वो उतना ही खुश हो जाते हैं, उतनी ही उसकी टच को फील करते हैं, और ते के लिए जो है उसका प्यार बढ़ते ही जा रहे थे। अभी भी अगर कुछ घंटों बाद उसको देखते हैं ना, तो वो आके ते को बहुत ही कस के पकड़ लेते हैं और रोने लगते हैं कि इतनी देर तक वो ते को नहीं देख पा रहे थे, उसको बहुत ही रोना आ जाते हैं। और ते जो है अभी भी उसको उतनी ही बच्ची की तरह से गोद में उठाते हैं, और उसकी फोरहेड पे किस करने लगते हैं, उसकी फेस पे किस करते हैं, और उसकी रोना बंद करते हैं, उसके आंसुओं पे किस करते हैं। ये लोगों की प्यार जो है दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। यहाँ पे योंगमिन भी बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे, वो लोग भी साथ में बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही जगह पे घूमते हैं साथ में, वो दोनों भी काम करते हैं। योंगी के ऑफिस पे अब जिमिन भी जाने लग गए थे, वो दोनों साथ में पार्टनर अब हो गए थे। और होबी और योंगी भी बहुत ज़्यादा खुश थे। योंगी कुछ नहीं करते हैं, वो हाउसवाइफ है, वो घर में ही रहते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। होबी जब घर में आते हैं, योंगी उसकी हेल्प करते हैं फ्रेश होने के लिए।
तो एक दिन मीटिंग हो रहा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा मीटिंग है ट्विंस ब्रदर्स की कंपनी पे। तेकुक और भी और जेके भी बैठे हुए थे, लेकिन ये लोग जो है उस मीटिंग्स पे फोकस कम और एक दूसरे पे फोकस ज़्यादा हो रहे थे। वो दोनों नीचे से एक दूसरे के साथ शरारत कर रहे थे। और जब मीटिंग ख़त्म होते हैं, तेकुक अपना कैबिन में चले जाते हैं और एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे भी और जेके भी अपने कैबिन में चले जाते हैं और एक दूसरे को किस करना वो लोग भी शुरू कर देते हैं। सो गाइस, इस फैन फिक्शन को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर इस फैन फिक्शन को और भी लंबा करूँगा तो फिर मैं दूसरी फैन फिक्शन को कैसे शुरू कर पाऊँगा। और ऐसे भी ऑडियो बनाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो गाइस, इस फैन फिक्शन का ये लास्ट पार्ट था। तो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।